श्री राम जी के जो जन्मस्थली जो अयोध्या में जो लाखों करोड़ों वर्ष से जो है सबके पूरा दुनिया में जानकारी छिंते छे और वही के जो अपन प्रधानमंत्री जी जे नेपाल में थोड़ी गांव के बारे में बता के पूरा एगो उदंग हिसाब से पूरा दुनिया में अभी एक मैसेज कहीं नहीं निक बात होने के चलते हमारे संबंध भी अभी बहुत ज्यादा बिगड़ल के स्थिति है। तो हम सब जैसे चाहबे कि सब कोई मिल करके आई चीज के जो है सुधार के जो है प्रधानमंत्री प्रयास कर देथिन बेटी रोटी के जो संबंध है हमारे नेपाल और भारत के से कायम रहे। एक जय श्री राम। धन्यवाद वैद्यनाथ जी। तेनाते अब हमर सबके राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाज के अध्यक्ष श्री और समाज सेवी कारी यादव जी के अपन एकवत्ता मंतव्य राखि देबाक लेल हार्दिक अनुरोध करै छी। कारी यादव जी समाज सेवी कारी यादव जी जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एहिठाम उपस्थित जनसमुदाय एक देश के अगर प्रधानमंत्री होइ छै और बहुत बड़का गरिमा होइ छै ओ देश के नेता होइ छै ओ राष्ट्र और संस्कृति के रक्षा करै छै। लेकिन ई वर्तमान जे प्रधानमंत्री के पी ओली छै हुनका कतौ सी ज्ञान भऽ गेलै कि हमरा सबके सदियों के आस्था युग युगांतर के आस्था कहलखिन कि सरजू भी अयोध्या नेपाल में छै आ राम नेपाली छै। ई जे हुनकर जे अभिव्यक्ति अयलै एहिसँ तमाम हिंदू हिंदुए ने तमाम वहाँ के एहिठाम जे जन समुदाय छै हिंदू मुसलमान सब दुखित छै और हुनकर जे ई अभिव्यक्ति भेलै यऽ दू देश के बीच में एकटा जे द्वंद पैदा करके लेल जे हमरा सबके सदियों के जे एकटा रिश्ता है हिंदुस्तान से हमसब हिंदू छी हमसब सनातन धर्म के मानय वाला छी और नेपाल संपूर्ण नेपाली ओहि के मानै छथि। ताहि दुआरे हम प्रधानमंत्री से आग्रह करबै कि अहाँ के दू शब्द से अहाँ जे अभिव्यक्ति देलिए वा बजा गेल वा जान के देलिए अहाँ के हम ई कह चाहे छी कि राम के जन्मभूमि ई थोड़ी नहीं छै राम के जे लड़का रहे लवकुश के जन्मभूमि छै। ताहि दुआरे अहाँ केना बाजि देलिए अहाँ अपना जे राम के बारे में कहने छे उ सुधार का लवकुश के जन्म थोड़ी में भेल छै वाल्मीकि जिला में भेल छै और अपन जे अभिव्यक्ति है उ सच्चा का ऐ दू देश के जे संबंध छै बेटी रोटी के संबंध छै धार्मिक संबंध छै आशा के संबंध छै ई काम रहे ऐ आग्रह करे त अपना दू सब के आइटम हम समाप्त करै। धन्यवाद कारी जी। तेनाते अपन आई जुलूस में एकबद्धता मंतव्य राख देवे के लागी बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री मनोज चौधरी जी के आग्रह करी छी। मनोज चौधरी जी बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी जी जय श्री राम। जय श्री राम। आई के आज आयोजक के सभापति जी उपस्थित संपूर्ण हिंदू धर्म माने वाला मान्यजन गुरुवर आई ई हिंदू समाज के एक ठिका होके नारा लगबैत रामानंद चौक से जनक चौक शिव चौक स्टेशन पर जमा होय के अवस्था किया लय ई बात विभिन्न बच्चा सब ऐसे पूर्व में अपने सबके उद्धित कराइए दिले छे ई बानासुर के देश के जे प्रमुख छथिन उनका ई ज्ञान नहीं छे कि श्रीराम के छे श्रीराम के छे श्रीराम किनका कहे छे। यदि इनका ई बात मात्र ज्ञान भजे थे तो जे अभिव्यक्ति उ देलखिन उ अभिव्यक्ति वही दिन रात में सुतल के बाद कल भके उ सच्चा लेना रहती। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आई वो अभिव्यक्ति के अभी तक इतने दबाव पड़ला के बाद भी सच्चावे के लिए तैयार नहीं थे। संजोगवश आई जे हमर सबके सदियों के अवध और मिथिला के जे संबंध छे वही संबंध के तोड़े के प्रयास जे जे व्यक्ति करते आई देश में साधु संत के वक्र दृष्टि ओकरा पर जे दिन पड़ जाते ओकर विनाश भ जाते से बात हम कह चाहे छी।
मिथिला के संबंध से आई से किस दिन पूर्व मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री और अई देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जनकपुर अयोध्या के बस संचालन क के हरा झंडा देखा के हमरे यहाँ के समाज में उद्घाटन कलखिन वही दिन उनका थोड़ी जिला याद नहीं पड़ल थोड़ी जिला वाला उजर का श्रीराम हमरा सबके नहीं चाहिए जे अयोध्या वाला करिकवा राम चाहिए जे राम के हम सब सीता देने चलिए न कि उजर का टाइकोट वाला राम हमरा सबके नहीं चाहिए से आइए के हिंदू समाज संत महंत उनका आगाज करी छे और जे रहलै बहुत जल्द जनकपुर से अयोध्या के बस हमर सबके बस व्यवसायी संघ के पहल में बहुत जल्द अपने सबके लखनऊ तक के यात्रा हम सब कराए आई में नेपाल सरकार से और भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान भातुकल थे लॉकडाउन पश्चात जनकपुर और अयोध्या के अवध और मिथिला के जोड़े वाला बस सेवा हम सब जनकपुर के बस पार के आगू के अपने सबके सेवा दे और वही सेवा से आइए के साधु संघ और वो रिलेशन जे भारत और नेपाल के छे वही से और प्रगाट होते और अंत में हम जे अभिव्यक्ति दलखिन कि श्री राम जे सीता विवाह के दिन से श्री राम थोड़ी के छे उनका हम ये कहे चाहबन कि आइयो आई संत समाज के आवाज के देखते हुए आइयो आई से काल तक अपने अपन अभिव्यक्ति के फिरता ल लिया अन्यथा आई ई चुट्टा सहित के साधु जी उपस्थित भेला काल अपने पर प्रहार करत तई के लेल उ प्रहार से बचे के लेल अपने अभिव्यक्ति के फिरता ल लिया और ई भारत और नेपाल के जे संबंध है ओकरा हम सामने क के अगाड़ी बढ़ू से बात करें उनका भगवान से सतबुद्धि के कामना करें हम अपन वचन के अहिठाम पूर्ण विराम दे छी जय श्री राम। अब अपन एकवत्ता मंत्र राष्ट्र के लेल राधव में माधव सेवा समिति के तरफ से रामनाथ पांडे जी को अपन एकवत्ता मंत्र राष्ट्र के 2 मिनट समय के ध्यान रखे 2 मिनट में मंत्र राष्ट्र हार्दिक अनुरोध करै छी। राधे राधे जय श्री राम। आई जते भी हम हिंदू अनुयायी सब छी और जते भी खास करके अयोध्या और जनकपुर के संबंध में अभी वक्ता सब बोलिए लेला जे भी अभिव्यक्ति आयल है तुष्टिकरण के राजनीति है इनके इनका सब दुष्पा